हालिया बहरान से निकालने की जरूरत है। सियासी मुफाहमत की फजा कायम करनी चाहिए। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करना होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का खिताब। कहा, हमें सबको साथ लेकर चलना है, मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। लोगों के साथ कानून के मुताबिक यकसां सलूक होना चाहिए। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान ओपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, नारे, सीटियां। पीटीआई और दीगर जमातों के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बारी पीटीआई की रिहाई के नारे। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सदर, वजीर आजम और पूरी काबीना गैर कानूनी है। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। चमन में सैलाबी रेलों में डूबकर 5 बच्चों समेत 9 अफराद जांबहक हो गए। कई घर तबाह, सैलाबी पानी गाड़ियां भी बहा कर ले गया। गवादर और मकरान का कराची से जमीनी रबता मुनकता। पहाड़ों से आने वाले रेलों से सड़कें बह गई। और दुबई में तूफानी बारिश के बायस पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स एयरपोर्ट पर फंस गए। कामरान अकमल ने वीडियो बनाकर शेयर कर दी। मिसवाउल हक, अब्दुल रजाक और उमर गुल लाहौर से बरास्ता दुबई अमरीका जा रहे थे।